दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार की दोपहर चित्रकूट पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल शाम को चित्रकूट की पवित्र नदी मंदाकिनी की सायंकालीन गंगा आरती में शामिल हुए। आरती स्थल पहुंचने पर पुरोहितों द्वारा विधि विधान से राज्यपाल से पूजन करवाया गया। तत्पश्चात पुरोहितों द्वारा आरती प्रारंभ की गई। आरती समाप्त होने के बाद राज्यपाल प्रसाद लेकर रात्रि विश्राम हेतु आरोग्य धाम के लिए रवाना हुए। आरती स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि चित्रकूट पावन पवित्र भूमि है। भारत रत्न नानाजी देशमुख द्वारा इस पवित्र भूमि को अपनी कर्मस्थली बनाया गया है। चित्रकूट के लोग जो नित्य प्रति मंदाकिनी गंगा की आरती करते हैं बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। गौरतलब है कि चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह सहित दीनदयाल शोध संस्थान में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में शामिल होने राज्यपाल मंगूभाई पटेल गुरुवार की दोपहर चित्रकूट पहुंचे थे। शुक्रवार को ग्रामोदय विश्वविद्यालय में आयोजित 10वें दीक्षांत समारोह के साथ ही राज्यपाल दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सायंकालीन आरती के दौरान सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, ग्रामोदय कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्रा, DRI के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अभय महाजन के अलावा बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय भाजपा नेता और आम जनमानस मौजूद रहा। ओम माधवाय नमः। अस्तु शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये वाचा वृजाय द्रा। शामिल हुए सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामना। पवित्र भूमि में आज मेरे को भी आपके साथ आरती करने का मौका मिला। पूज्य नानाजी देशमुख के पवित्र भूमि में आज कल्पना किए जाए। जब ही नाना जी ने ये स्थल पसंद किया होगा तभी ये धरती पे क्या हुआ होगा और आज कितने लोग यह पवित्र भूमि पर आकर जब ही आरती करते हैं। स्वर्गस्थ नाना जी का आत्मा जहां भी होगा मैं समझता हूं वहां से अपने कर्म भूमि की सफलता उनको जब भी दिखाई देती होगी तो आत्मा को बहुत शांति मिलती होगी। मैं सभी यहाँ के रहवासियों को भी बहुत नसीबदार मानता हूं कि पवित्र भूमि में आपका जन्म हुआ, आपका लालन पालन हुआ और आज सभी लोग मंदाकिनी माता की हर रोज आरती करते हैं तो ये बहुत पवित्र काम आपकी ओर से हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मंदाकिनी नदी के चरणों में नमन करके मेरी बात मैं पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय।